नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। श्रीवंशीधर नगर, डुमरी उपचुनाव में मिली जीत पर श्रीवंशीधर नगर में झामुमो कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। बस स्टैंड में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई, उसके बाद जमकर आतिशबाजी की। अनुमंडल अध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे ने कहा कि डुमरी की जनता ने भारी विजय दिलाकर जननेता स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। डुमरी उपचुनाव में मिली जीत हेमंत सरकार की लोकप्रियता को दर्शाता है। 2024 में फिर से भारी बहुमत से जेएमएम गठबंधन की सरकार बनेगी। केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सूर्यदेव मेहता ने कहा कि यह जीत असत्य पर सत्य की जीत है। हेमंत सरकार मूलवासियों के लिए जो काम कर रही है उसका जीत है। भाजपा को जनता ने नकार दिया है। 2024 में लोकसभा का परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। उन्होंने कहा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक, 1932 खतियान जैसे मुद्दों पर जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है उस पर डुमरी की जनता ने मोहर लगा दी है। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष अमर राम, झामुमो नेत्री किरण देवी, अमरनाथ पांडे, मुकेश सिन्हा, रमेश चंद्रवंशी, मनोज कुमार, मुन्ना खान, मुकेश सिन्हा, लाल बाबू अंसारी सहित बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। कहेंगे डुमरी चुनाव ये झारखंड का दशा और दिशा तय करेगा। यहाँ की जनता ने जता दिया कि झूठ फरेब की बात नहीं चलेगी, 1932 के खतियान देने वाले की बात चलेगी। हेमंत सोरेन जिस तरीके से इस झारखंड में कार्य कर रहे हैं, जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। अंततः सारी ताकत को लगा देने के बावजूद भी डुमरी की जनता ने दिखाने का काम किया है कि लाख तुम एक हो जाओ, अगर जनता के दिल में हेमंत सोरेन राज करेगा और आने वाला 2024 झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहेगा। ये दावे के साथ हम कह सकते हैं 1932 का खतियान जीतेगा, आंगनबाड़ी सेविकाओं को देने वाला पार्टी जीतेगा, पारा शिक्षक को देने वाला पार्टी जीतेगा और लोगों को मान और सम्मान देने का काम करने वाला पार्टी जेएमएम जीतेगा। इतना ही मैं कहता हूँ। इसी के उपलक्ष में आज की ये जो खुशी का इजहार हम सब कर रहे हैं उसी के उपलक्ष में है। नामांकन प्रारंभ। माँ नगीना शाही महिला महाविद्यालय नगर उंटारी में स्नातक स्तरीय पास में प्रतिष्ठा कला एवं वाणिज्य संकाय में सत्र 2023-27 का नामांकन प्रारंभ है। समय सीमित है।